तो फाइनली सेल्फी जो है वो एक मास्टरपीस एपिक ब्लॉकबस्टर डिजास्टर हुई है, जो कि जिसका कलेक्शंस ऑल टोटल इंडिया नेट कलेक्शंस 30-27 करोड़ यानी कि 3 करोड़ वो भी पार नहीं हुआ है। और कल सीन ऐसा हुआ, रिव्यू जो लोग पूछ रहे सेल्फी का रिव्यू, कल जो मेरे को मैंने बताया ना, वो बंदे का जो भी रिव्यूज आते हैं, सबसे पहले रिव्यूज आते हैं, उसका परसेप्शन ऑफ वॉचिंग द मूवीज और मेरा लगभग सेम ही है। जैसे उस बंदे ने मेरे को बोला, क्योंकि पठान के टाइम देख लो, सारी मूवीज के टाइम में मेरे को बहुत सारे मूवीज का रिव्यू मैंने दिया नहीं है, लेकिन उसका और मेरा लगभग सेम ही है। तो उसको कल की मूवी सेल्फी लाइक बहुत ही ड्रैग्ड मूवी लगी, बहुत ही घसीटी हुई मूवी लगी। तो वही टाइम पे मैंने वो, मेरा तो एक तो खाली सीट था, पूरा थिएटर खाली था, मेरे को जाने का मन तो था नहीं। उसके बाद मैंने वो पूरा का पूरा टिकट ही वेस्ट कर दिया, लेकिन मैं गए ही नहीं मूवी देखने। मैं बोला बस है, इतना टेंशन काफ़ी है, एक और तकलीफ मेरे को लेकर नहीं आ रहा है। तो ठीक है, सीन क्या है, अभी हिस्ट्री बनने वाली है। हिस्ट्री कैसे, हिस्ट्री बोलो, हिस्ट्री कैसे बनने वाली है बोलो। पठान, पटली पठान, कोई एक हिंदी फिल्म, हिंदी वर्सेस हिंदी फिल्म, दो सुपरस्टार्स की फिल्म आमने सामने, एक तो पहली बार जमाने के बाद, बहुत टाइम के बाद ऐसा सीक्वेंस देखने को मिल रहा है कि शाहरुख खान वर्सेस अक्षय कुमार थिएटर में चल रहा है। मतलब थिएटर में दो, वो अलग बात है, ये फिल्म पठान फिल्म का 5वां हफ्ता है, वो अलग बात है, लेकिन फिर स्टिल दैट 5th वीक इज इवन मोर डेंजरस देन दिस फिल्म्स 1st वीक। तो मतलब ऐसे ही हो गया, लगभग समझ लो क्लैश हुआ। एंड अक्षय कुमार वॉन द फर्स्ट डे, बॉबी भाई 2.36 करोड़ रुपीस का फर्स्ट डे कलेक्शंस है सेल्फी का, वेरस पठान ने सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ का कलेक्शन किया है। पठान ने सिर्फ 1 करोड़ का कलेक्शन किया है, तो मुझे ऐसा यहाँ पर लगता है कि वन साइड हरा दिया। मतलब इस तरह हरा दिया कि मेरे को मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। बोलते हैं ना कि कर्मा वापस आता है। यस। तो 2019, 2018, 2017 शाहरुख खान के फैंस कितना उछल रहे थे, बहुत मजाक उड़ा रहे थे, इतना मजाक उड़ा रहे थे। ये वीडियो में पूरा सुकून है, बहुत लोगों को सुकून मिलने वाला है, पूरा मजाक उड़ा रहे थे। मतलब बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रहे थे। इवन ये जो चेन चोर इन लोग सब है, इनका मजाक उड़ा रहे थे। मतलब इनकी फिल्म को, इनकी जो फेवरेट्स की फिल्म है उनका मजाक बनाकर रख दिया था। आज कर्मा तुम लोगों के ऊपर आ रहा है, देखो सेल्फी ने 1.5 करोड़ रुपए ज़्यादा कमाया पठान से। मतलब वाइट वॉश कर दिया, पठान को उठाकर फेंक दिया सेल्फी ने, फेंक दिया। पठान ने सेल्फी का 50% भी कमाई नहीं कर पाई। मतलब हेड ऑन हेड में देखो, सेल्फी 2.35 करोड़, पठान जस्ट वन करोड़। ये सब क्यों हो रहा है, ये सब इसलिए हो रहा है, सेल्फी ने 1.5 करोड़ पठान से ज्यादा इसीलिए कमाया है, बिकॉज अक्षय कुमार हैज वेरी ग्रेट टैलेंट नाउअडेज। बिकॉज वो पुराने वाले अक्षय कुमार नहीं है, पुराने वाले जो खराब अक्षय कुमार नहीं है, जिसने हेरा फेरी बनाए, जिसने वेलकम बनाए, जिसने भागम भाग बनाया, जिसने आवारा पागल दीवाना बनाया, जिसने ब्लॉकबस्टर्स फिल्म्स लाइक मत आइकॉनिक रोल्स, जिसको हम अभी के हिसाब से सार्केज्म के हिसाब से, इस वीडियो के सार्केज्म के हिसाब से हम लोग डिजास्टर बोल सकते। तो वो सब वीडियो, वो सब फिल्म बनाने के बाद अक्षय कुमार ने अभी शाहरुख खान को इसलिए हराया क्योंकि अक्षय कुमार अभी फिल्म्स बना रहे हैं। लक्ष्मी, सुपर हिट आइकॉनिक मास्टरपीस लक्ष्मी, आइकॉनिक टाइटैनिकियम इंटरस्टेलरियम पृथ्वीराज चौहान मूवी, आइकॉनिक एकदम अवतारियम एवेंजरियम, आइकॉनिक फिल्म रक्षाबंधन, आइकॉनिक्स फिल्म बना रहे हैं, एकदम आइकॉनिक्स। मतलब साल में मेरे को ऐसा लगता है कि साल के अंदर एक टाइम ऐसा आएगा, ये जो बॉलीवुड के ऊपर जो वीडियोस बनते हैं, बॉलीवुड का छोड़ो, मेरे को ही पकड़ के चलो, मेरा पूरा 1 महीना में जितना वीडियो आएगा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि उसको भी ब्रेक करेगा अक्षय कुमार, 100% ही विल ब्रेक दैट, लिख कर ले लो। तो इस वजह से आज कर्मा अटैक किया है शाहरुख खान के फैंस के ऊपर, कर्मा ने अटैक किया है। ये जो स्ट्रैटेजी अक्षय कुमार की, इससे क्या हो गया कि आज 1-on-1 शाहरुख खान वर्सेस अक्षय कुमार हुआ है,
वन ऑन वन में फोड़ दिया। पठान सिर्फ 1 करोड़ कमाए, 1 करोड़ सिर्फ, लेकिन सेल्फी 2.5 करोड़ कमाए, 2.5 करोड़। कमिंग टू द पॉइंट विथ ओरिजिनलिटी, सार्केज्म खत्म हो गया। तो गाइस यही सिनेरियो है, ये चलता रहेगा, ये अभी 2.5 में, ये 2.5 से अभी 25 या 30 लाख तक आ जाएगा ओपनिंग डे का कलेक्शंस। बिकॉज सीन ये है कि गंगूबाई जैसी फिल्म 10.5 करोड़ का ओपनिंग लेती है सेम टाइम ऑफ रिलीज में, वो भी और थोड़ा सा पीछे, पैंडेमिक से थोड़ा सा क्लोज था वो, जाकर सेम नंबर्स, मतलब सेम टाइम में रिलीज में 10.5 करोड़ निकालती है अकेली हीरोइन, अकेली आके। लेकिन सुपरस्टार, मैं बॉबी भाई के लिए मतलब बहुत दुखी हूँ। बॉबी भाई को एक सही सबक मिला होगा कि किसी स्टार का मजाक नहीं बनाना चाहिए, किसी स्टार के बैड फेस का मजाक नहीं बनाना। अरे बैड फेस की बात कर रहे हो, मजाल है भाई, बैड फेस में भी शाहरुख खान ने 70 करोड़ से नीचे वाली फिल्म दी हुई और 100 करोड़ से नीचे वाली फिल्म वर्ल्ड वाइड में दी हो, मजाल है उस बंदे का, मजाल है उस बंदे ने बैड फेस में भी 15 करोड़ से नीचे का ओपनिंग कलेक्शन दिया हो, मजाल है उस बंदे का। बैड फेस भाई, बैड फेस वो बादशाह का बैड फेस था। तो कर्मा हिट्स बैक। मैं एक सजेशन है, एक लास्ट एंड लास्ट सजेशन, बिकॉज ही इज नॉट एट ऑल, मेरे को ऐसा लगता है ही इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, बिकॉज बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है कंटेंट बनाने में, क्वालिटी बनाने में, वो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्टेड है पॉकेट भरने में, भर भर के प्रोजेक्ट्स करने में, और भर भर के, हाँ सही बात है ना, 7 प्रोजेक्ट्स करो, वहाँ पे अकेला शाहरुख खान देखो, शाहरुख खान अकेला आता है 1000 करोड़ का फिल्म मारता है, क्या कमा के जाता है, 100 करोड़ कमा के जाता है, 150 करोड़ अपना जेब कितना भरता है वो, 150 करोड़ किया, चलो मान लो 150 करोड़ अपना जेब, मतलब 150 करोड़ अपने जेब में उसने लिया। अक्षय कुमार 8 फिल्म बनाता है, 8-9 फिल्म बनाता है, 8-9, 8-8, 8-1, 8-2, 8-3 कितना हुआ, 8-3 24, 240 करोड़, मतलब 30 करोड़ के एवरेज में भी जाओ, नहीं नहीं 30 करोड़ के एवरेज में भी जाओ तो भी 240 करोड़ कमा रहा है। शाहरुख खान एक पिक्चर लेके आता है क्या 150 करोड़, 120 करोड़ जेब में, 240 करोड़ बंडा अपना जेब में डाल के लेके जाता है। हाँ वो अलग बात है, डिजास्टर्स, मतलब डिजास्टर्स का लाइन, मतलब ही नहीं है ना, मतलब ही नहीं है, पब्लिक बेवकूफ, जनता बेवकूफ, ऑडियंस बेवकूफ, फैंस बेवकूफ, सब बेवकूफ, सब बेवकूफ, मतलब ही नहीं है। प्रोडक्ट को भर भर के सेम एक्टिंग में प्रॉब्लम भर के देना सेकेंडरी है, तुम लोग भी जो पकड़ रहे हो ना प्रॉब्लम, वो भर के जो दे रहे हैं प्रोडक्ट, वो सेकेंड मैटर है, पहला नंबर का मैटर क्या होता है, सारे पिक्चर में सेम ये सेम है। स्टार्ट कर लो लक्ष्मी के वहां से, स्टार्ट करो, सेम लुक, सेम अपीयरेंस, इतना हिटलर वाला मुच्छी, बस सेम, पूरा का पूरा सेम एज इट इज, सारे पिक्चर ऐसा। पृथ्वीराज चौहान जी जैसा मतलब कैरेक्टर प्ले करना, ऐसे कर हिटलर मुच्छी, बस ऐसा नहीं होता है। वो सब कैरेक्टर प्ले करने के लिए भाई पिछवाड़े में दम चाहिए, ऐसा करके 40 दिन का शूट करने से नहीं होता है, उसको नहीं बोलते, उसको वो सब ऐसा करने के बाद ही आज 2.5 करोड़ का ओपनिंग लगा है। 2.5 करोड़ सच में मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया, मैंने सोचा एट वर्स्ट सिनेरियो भी ये फिल्म 4.5 से 5 तो करेगी, 2.5 करोड़ मतलब इसका लाइफ टाइम कलेक्शन मेरे को लगता है बेल बॉटम को टक्कर देने वाला है। अब क्या बोलोगे, बेल बॉटम पैंडेमिक तुड़क तुड़क तुक पैंडेमिक कर रहे थे, अब क्या बोलोगे, ये तो बेल बॉटम से कम नंबर निकालने वाली है। इसलिए मैं बोला पठान को वन साइड मार दिया, पठान एक करोड़, सेल्फी ढाई करोड़, जीत गया बाबी भाई, जीत गया, पूरा क्लैश कर रहे, तो हो गया क्लैश, जीत गया। रिव्यू नहीं डाला ना इसने, वीडियो शेयर करो, टैग करो चचा को, टैग करो, सीरियसली, नो ऑफेंस टू एनीवन, दिल से मैं भी चाहता हूँ कि एक टाइम में मेरा फेवरेट सुपरस्टार था भाई, मेरा ऑल टाइम टॉप 3 के अंदर था बंदा, क्योंकि बंदे का काम जबरदस्त था। गोल्ड मूवी देखना, फाड़ू काम किया, उसके बाद गोल्ड मूवी एयरलिफ्ट देखो, फाड़ू काम किया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, बंदा तब भी 100 करोड़
110 120 का लिमिट था वो टाइम भी कोई 400 लिमिट नहीं हुई, 110 120 ही था, लेकिन मेरे को फर्क नहीं पड़ता था। मैं हमेशा रेस्पेक्ट करता था क्या स्क्रिप्ट एंड कंटेंट उठा रहा है, प्लस एक्टिंग क्या कर रहा है, अभी क्या कर रहा है। सारा फिल्म में यही है। रक्षसन जैसे फिल्म में वो पब और पार्टी वाला गाना डाला, मानना पड़ेगा। सुराय रे पोटर को तो क्या किया पता नहीं।